नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 9, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 181 से लेकर के 190 तक के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को बिना किसी देरी के। फर्स्टली ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब लाइक नीट 2025 में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई द सेक्रेशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो क्वेश्चंस है ये तो डाइजेशन का है, लेकिन डाइजेशन चैप्टर आपका हट चुका है, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली हम रिवीजन के लिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा फंक्शंस परफॉर्म नहीं होता है। तो डाइजेशन ऑफ डी सैकेराइड का जो फॉर्मेशन डाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो सेक्रीट नहीं होता है। बाकी लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है, कंट्रोल बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन द माउथ, माउथ के इंटरनली सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है कि वो कंट्रोल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो राइट आंसर से यहाँ पे ये हो जाएगा डाइजेशन ऑफ द डिसैकेराइड, जो कि नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशंस। मतलब कि फ्रैगमेंटेशन का ये एनसीईआरटी का ही मतलब कि डिफिनीशन वाला लाइन है कि डेट्रीवोर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं डेट्राइटस, मतलब कि डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस से वो कैसे हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसी प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, डीकम्पोजिशन, तो जरूरी नहीं है कि फ्रैगमेंटेशन ही आए, आपको कैटाबॉलिज्म भी पूछा जा सकता है, ह्यूमिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, डीकम्पोजिशन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, विच गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, मतलब स्पर्मिएशन का यहाँ पे डिफिनीशन बताया जा रहा है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, स्पर्मियोजिनेसिस इज द प्रोसेस, स्पर्मियोजिनेसिस एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको चूज करने पड़ेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एंड एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अब जैसे एसर्शन में कहा जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज द चांस ऑफ द फ्रैक्चर, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि बोन मास डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल सही ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जा रहा है और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि रीज़न है, रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे है, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का कॉमन कॉज जो होता है वो क्या, एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो कि पीरियड वगैरह में काम आते हैं, है ना, क्या वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब कि नॉट करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनो सुप्रेसिव मॉलिक्यूल, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। ठीक है, मतलब कि स्पोरम इज द राइट आंसर्स, बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे स्पर्जिलस नागर, तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके कारण क्या होता है कुछ बीमारियाँ फैलती हैं ना लाइक, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगेन हम देखें सेक्शन बी वाला क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल
फंक्शन दिया गया है। जैसे कि ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन होता है, तो ग्लाइकोजन काम करता है स्टोरेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन को ये एक एंटीबॉडी होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड एक हार्मोन होता है जो कि आपको पता ही है, और थ्रोम्बिन जो होते हैं वो एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब 4, 3, 1 and 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, ये भी मैचिंग है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट डायफ्राम दिया गया है जो कि बिल्कुल मतलब कि ये जो वृद्धि को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब कंट्रोल मेथड। सो डायफ्राम, डायफ्राम का यूज़ क्या होता है, तो डायफ्राम को यूज़ करने के कारण क्या होता है कि स्पर्म को ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब कि थ्रू द कवर ऑफ द सर्विक्स। तो यहाँ पे सर्विक्स वाली ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, द कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल पिल्स, कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स जो होते हैं वो एक सहेली होता है, सहेली मेडिसिन, जिसको विद इन द 7 days के बाद लिया जाता है, मतलब कि इनहिबिट ओवुलेशन एंड द इम्प्लांटेशन। इसमें ये भी आ सकता था कि सहेली मेडिसिन विद इन टेक इन टू द 7 days, ठीक है, 1 week। उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसको कब लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। एंड लैक्टेशनल एम्यूनोरिया, जिसको हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं, एंड एवोल्यूशन फ्रॉम द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन प्रोसेस के माध्यम से। सो द राइट आंसर इज 4, 1, 2 and 3, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर, 4, 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स इज, मतलब इसका परसेंटाइल यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है लीनियर क्रोमोजोम। तो लीनियर क्रोमोजोम में क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है, बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, ए और किसके बीच में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ए और डी के बीच में दिख रहा है, तो ए से लेकर के डी तक आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, डी तक ये हो जाएगा 25%, फिर आपको 29% के बाद आपको यहाँ पे 24% सी टू डी दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, सी टू डी, यहाँ पे सी ले लीजिए जो कि 20% हो गया, बाकी ए से लेकर के सी तक आपको कितना दिया हुआ है, तो ए से सी तक अब 29 में से 20 चला गया, तो यहाँ पे 9 बचेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये देखिए बी एंड डी के बीच में, तो बी ऑप्शन हम कहीं ले लेंगे, उसके बीच में बी और डी के बीच में भी यहाँ पे 9% आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, इसका सही आंसर से ए सी बी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं बने तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इफ़ अ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरी विद द होम एंड प्रोजेनी विल कलर ब्लाइंडनेस, 100% चांसेस होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस हमारा कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग, तो प्रेजेंस ऑफ 2 or more रिकम्बिनेंट साइट, मतलब 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, आई होप ये सब समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।